दोस्तों आगे वीडियो देखने से पहले आपसे प्रेम भरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देवसेना, सभा में चड्डी का केस लाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे सेना नायक को शर्म आती है? दूसरों की चड्डियां चुरा चुरा के पहनता है और उन्हें फाड़ देता है। देवसेना, सेना नायक कपड़े की नहीं लोहे की चड्डी पहनता है जो फटती नहीं। इसके दद्दा ने जो वसीयत में लोहे की चड्डी इसके नाम किया था वो तो इसका सर लेकर भाग गया। तब से ये बाहुबली की चड्डियां चुराने लगा है। बाहुबली चड्डी ही नहीं पहनता, वो चड्डी में कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है, समझी? सच क्यों नहीं कहती तुम? जो उसके पापा चड्डी खरीदने के लिए पैसे देते थे तुम उससे अपने मोबाइल का रिचार्ज करवा लेती थी और पबजी खेलती थी। महाराज, ये केस चड्डी का है या पबजी का? और आइटम चड्डी मिली नहीं? पबजी बैन हो गया तो वैसे दिमाग खराब है। बाहुबली आ गोरे, बाहुबली बाहुबली बाहुबली, साला किसने बाहुबली की चड्डी चुरा लिया? अब अगर बाहुबली की चड्डी नहीं मिली तो बाहुबली किसी के पिछवाड़े में चड्डी नहीं रहने देगा। अच्छा, मैं तो डायपर पहनता हूँ। सेना नायक, विस्तार से बता हुआ क्या था? महाराज, जब से मेरी लोहे की चड्डी चोरी हो गई है तभी से मैंने चड्डी पहनना छोड़ दी। देखो ना महाराज जी, हमको डरा रहा है। बाहुबली, सेना नायक को क्यों कुत्ते की आवाज निकाल निकाल कर डरा रहे हो? क्योंकि ये बिल्ली है, जैसे बिल्ली दूध चुराती है ये चड्डी चुराता है। अबे चुप जोरू के गुलाम। हाँ, मैं जोरू का गुलाम हूँ क्योंकि उसने मुझे चड्डी पहनना और पबजी खेलना सिखाया है। अबे फिर पबजी पबजी पबजी, अबे अपनी लुगाई से पूछ कि हुआ क्या था। क्या हुआ था लुगाई? सुनो लोगबा, जो मेरे बाप ने तुम्हें दहेज में लाल चड्डी दी थी ना, उसे ये साला उंगली डाल डाल कर फाड़ दिया है, इसलिए मैंने उसकी उंगली काट दी। ठीक किया ना? गलत किया लुगाई तुमने, जो बाहुबली की चड्डी फाड़ता है उसकी उंगली नहीं काटते हैं, उसका दोस्तों वीडियो देखकर अगर आई है आपके चेहरे पर हंसी तो हमें भी दे दीजिए थोड़ी सी खुशी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा के लिए हमें अपना दोस्त बना लीजिए। थैंक यू।